उदयपुर जिले के कानोट थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार 21/8/2024 को थाना क्षेत्र में एक किशोरी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में आई थी, जिसमें बताया गया था कि एक किशोरी जो कि रोज की तरह उस दिन भी घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची, जिस पर परिजनों को स्कूल से फोन आया कि आज टेस्ट है और बच्ची स्कूल नहीं आई। इस पर परिजनों ने आसपास में खोजबीन की, पर जब किशोरी नहीं मिली तो एक परिचित जो नरेंद्र वैष्णव स्कूल के पास ही रहता है, उसको जब बच्ची के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बच्ची लैब में सो गई और थोड़ी ही देर बाद कहा कि वह लाइब्रेरी में सो गई। ये बात परिचितों को अजीब लगी, जिससे परिवार वालों को उस पर शंका हुई, लेकिन आरोपी ने बच्ची को पहले ही डरा व धमका दिया था, जिससे उसने सच यानी कि वास्तविकता परिजनों को नहीं बताई। विद्यालय ले जाकर बच्ची को पूछा तो उसने कहा कि वह नरेंद्र वैष्णव के घर पर सो रही थी, तो स्कूल से फोन कर नरेंद्र वैष्णव को स्कूल बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई, जिस पर एक बार फिर उसने एक अलग ही बात सामने रखी और कहा कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे इसको मेरी पत्नी ने गोली देकर सुला दिया। जिसके बाद परिजन नरेंद्र वैष्णव के घर गए तो पता चला कि उसकी पत्नी तो घर पर है ही नहीं। जिसके बाद उसकी पत्नी को फोन किया तो एक और नई बात सामने आई कि वो तो 2 दिन से घर पर है ही नहीं। ये सुनने के बाद बच्ची से पूछा तो वो घबरा गई और डर भी गई थी, तो बच्ची से किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिली तथा रात को एक चिट्ठी घर पर छोड़ वह किशोरी घर से चली गई। जिसके बाद परिजनों ने कानोट थाने में नरेंद्र वैष्णव पर शंका जाहिर करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कानोट पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुमशुदा किशोरी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 28/8/2024 को किशोरी कानोट थाने पहुंची तथा पुलिस को उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया, जिसमें उसने बताया कि आरोपी कानोट निवासी नरेंद्र वैष्णव उर्फ नन्नू महाराज ने उसको नरेंद्र के घर में ही नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद डराया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगी, जिससे मैं बहुत डर गई थी। इसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की गंभीरता को देख तुरंत आरोपी नरेंद्र वैष्णव को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। आरोपी नरेंद्र को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।